अरे चलवा तार बात नहीं थी, वो कुंजी है जिससे कामयाबी के दरवाजे खुलते हैं, और मेहनत ही वो रास्ता है जिस पर चलकर इंसान कामयाब हो सकता है। आपने मेहनत से काम करना है, इत्तेहाद से काम करना है, तवज्जो से काम करना है, और कोशिश करनी है कि जो चीज़ आपको सिखाई जा रही है टीचर की तरफ से, आप उसको तवज्जो से देखें, मेहनत से और अच्छे अंदाज में काम करें ताकि एंड आपको कामयाबी हासिल हो। तो क्लास वन की SST पहला क्वेश्चन है, बीमार आदमी से क्या इत्याद जरूरी है, ये सवाल है, और इसका जवाब है बीमार आदमी से फासले पर रहना चाहिए। SST क्लास वन का दूसरा सवाल है, बैतुल खला जाने के बाद क्या करना चाहिए, तो इसका जवाब है बैतुल खला जाने से पहले हाथ धोने चाहिए। तीसरा सवाल इसका है SST क्लास वन का, खराब खाना खाने से क्या होता है, तो इसका जवाब है खराब खाना खाने से बीमारी लग जाती है। उसके बाद अगला सवाल है दादयाल का क्या मतलब है, तो इसका जवाब है दादयाल का मतलब है बाप की तरफ से रिश्तेदार। अगला सवाल है ननियाल का क्या मतलब है, तो ननियाल का मतलब है वालदा की तरफ से रिश्तेदार। अगला क्वेश्चन SST क्लास वन, आपके खानदान में कितने रिश्तेदार हैं, तो इसका जवाब है मेरे खानदान में 4 रिश्तेदार हैं। इसके बाद SST क्लास वन का क्वेश्चन है ग्लोबल विलेज क्या है, तो इसका जवाब है दुनिया की मुख्तलिफ कौमों का एक जगह होना ग्लोबल विलेज कहलाता है। और SST क्लास वन का अगला सवाल है चंद रिश्तों के नाम बताएं, तो इसका जवाब है अम्मी अब्बू दादा दादी बहन भाई, ये चंद रिश्ते हैं। साइंस क्लास वन क्वेश्चन है इटॉर्टाइज इज स्लो और फास्ट, तो इसका आंसर है इटॉर्टाइज इज स्लो। उसके बाद सवाल है ए माउस इज बिग और स्मॉल, तो इसका आंसर है द माउस इज स्मॉल। अगला क्वेश्चन है साइंस क्लास वन एन एलिफेंट इज बिग और स्मॉल, इसका आंसर है एन एलिफेंट इज बिग। इसके बाद साइंस क्लास वन अगला क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस, तो इसका आंसर है साइंस इज टू नो फैक्ट्स लॉजिकली। इसका अगला क्वेश्चन है हु इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, इसका आंसर है द किंग ऑफ फॉरेस्ट इज लायन, ये साइंस क्लास वन के क्वेश्चन आंसर है। व्हाट इज द कलर ऑफ बटरफ्लाई, ये अगला क्वेश्चन है, और इसका आंसर है बटरफ्लाई इज कलरफुल इंसेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है नेम सम स्मॉल एनिमल्स, तो इसका आंसर है माइस रिबर्ट रैबिट्स कैट्स डॉग्स। अगला क्वेश्चन है नेम सम बिग एनिमल्स, गोट लाइन बुफालो एलिफेंट। इससे अगला क्वेश्चन साइंस क्लास वन व्हाट डज ए कैटरपिलर ईट, इसका आंसर है कैटरपिलर ईट द लीव्स। उसके बाद अगला क्वेश्चन साइंस क्लास वन वेयर डज द क्रोकोडाइल लिव, तो इसका आंसर है क्रोकोडाइल लिव्स इन वाटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अगला सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश है क्लास वन का, हु ओपन द गेट्स ऑफ द केज, इंग्लिश क्लास वन, इसका आंसर है भोला एंड भानो ओपन द गेट ऑफ केज। इससे अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टॉयो, तो इसका आंसर है टॉयो इज ए रेड टॉय कार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द रैबिट से, तो इसका आंसर है लेट मी प्ले इन द गार्डन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज रॉन्ग विद फील्ड, तो इसका आंसर है द फील्ड वाज कोल्ड। फिर अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द गर्ल गो, तो इसका आंसर है द गर्ल गोस टू द गार्डन। तो इस तरह से इस वीडियो में आपको SST साइंस और इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन जो है वो उनको रीड आउट करके और उसके क्वेश्चन आंसर आपको लिख के दिखाए गए हैं। तो आपने इनको एहतियात से तवज्जो से मेहनत से काम करना है, अपना काम साफ सुथरा करना है, और इसको लिखना भी साफ सुथरा है, और इनको अच्छी तरह से याद भी करना है, और इनको समझना भी है ताकि आपको कामयाबी हासिल हो।
और आपके काम की तारीफ की जा सके, आपके काम को सराहा जा सके, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। तो मज़ीद जो है वो आप इस पर मेहनत करें, यही आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगी।